बोलिए महाकाल सरकार की जय। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज के एक और न्यू ब्लॉग में। यार चुन्नू मुन्नू को साथ में लेकर मैं नैनावद आया हूँ। आज है 6 तारीख और यहाँ पर आपको सबसे पहले एरिया बता देते हैं। महाकाल मंदिर के पास में भी हम आए हैं। मेन मोटिव है हमारा यहाँ की व्यवस्था देखना। बाकी यहाँ पर आज मैं आपको बता दूँ 6 मार्च हो चुकी है ना, और 8 मार्च को आप सभी को पता है बाबा महाकाल की शादी है। ओके, धूमधाम से शिवरात्रि मनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम व्यवस्था देखने आए हैं और चुन्नू मुन्नू को साथ में लेकर आया था। ये दोनों अपने गांव से है। बाकी यहाँ पर ये छोटे मोटे नन्हे मुन्ने इनके दोस्त है। बाकी हम आए हैं 3, बाइक उधर सामने रख दी है। और यार अब क्या करेंगे, हम यहाँ की व्यवस्था वगैरह देखेंगे। मतलब कि आज 6 मार्च है, बाकी सारी व्यवस्था आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और सजावट मेन मोटिव था हमारा, बाबा के दर्शन करेंगे, उसके बाद यहाँ की व्यवस्था देखेंगे, सजावट देखेंगे कैसी क्या इधर व्यवस्था है और कैसी क्या सजावटें हैं, ठीक है। तो यार सजावट का तो कहना ही क्या, और जो पिछले साल में सजावटें हमने देखी थी ना, उससे कई गुना अच्छी सजावट इस साल की गई है बाबा महाकाल की। जय श्री महाकाल भैया। जय श्री महाकाल। तो आज हम अच्छी तरीके से व्यवस्था यहाँ पर देखने वाले हैं, क्या क्या व्यवस्था है, क्योंकि 2 दिन पहले ही हम आ चुके हैं यहाँ पर। ओके, तो सबसे पहले अभी हम चलते हैं बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए, ठीक है। जस्ट हम छोटा सा एक क्लिप लेंगे और बाबा के दर्शन आपको करवाएंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ की व्यवस्थाएं देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, ठीक है। जय श्री महाकाल भैया। तो दोस्तों अभी हम जस्ट सजावट यहाँ से आपको दिखाते हुए बाबा महाकाल के जस्ट दर्शन करेंगे। तो दोनों भाई मेरे साथ में है, बाकी जो मिले थे उनसे तो हम मिल लिए, और मिलने के बाद वह अपने घर चले गए। बाकी यहाँ से सजावटें देखते हैं। देखो यहाँ से जो सजावटें हैं बाबा के मंदिर के लिए, यहाँ से स्टार्ट की है। मतलब पूरा एरिया ही सजावट के लिए है, और सजावट बहुत ही अच्छी है इस साल जो सजावट की गई है। मतलब हर साल कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन इस साल की जो सजावटें थोड़ी सी बेटर है, काफ़ी अच्छी है। और थोड़ा सा 1x में कर लेते हैं, काफ़ी अच्छे। अभी ये भजन वगैरह स्टार्ट होने वाले हैं, और यहाँ से आप देख सकते हैं ये है हमारे बाबा महाकाल के मंदिर की सजावट, अति सुंदर ये। अभी हम चल रहे हैं बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले दर्शन करते हैं, उसके बाद हम आसपास की यहाँ पर व्यवस्थाएं देखेंगे, ठीक है। तो भजन जस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम बाबा के दर्शन कर लेते हैं। तो यार सजावट तो मैंने आप सभी को बता ही दी है, बाकी अभी हम दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद इधर उधर मेला वगैरह भी लगता है। तो 2 दिन है, 2 दिन के पहले यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं हो गई है। वैसे तो व्यवस्था में कोई कमी नहीं है अभी, क्योंकि जस्ट शिवरात्रि आई गई है। 2 दिन के बाद जस्ट हम यहाँ पर मेले में घूमेंगे, तो वह अभी व्लॉग आई जाएगा, ठीक है। तो अभी हम चल रहे हैं बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं जय श्री महाकाल, ठीक है। सबसे पहले ये लिखा हुआ है जय श्री महाकाल मंदिर नैनावद महाकाल मंदिर सेवा समिति। तो अभी हम चल रहे हैं बाबा महाकाल के दर्शन के लिए। बोलिए महाकाल सरकार की जय। सजावट का तो कहना ही क्या। ये हमारे बाबा का मंदिर है नैनावद में प्रसिद्ध महाकाल मंदिर, जय श्री महाकाल। तो हमारे बाबा महाकाल के दर्शन हो चुके हैं, ठीक है। और अभी थोड़ा सा गाना आएंगे। सज रहे भोले बाबा निराले दूले में, ये मंदिर का एरिया है। जस्ट बाबा के दर्शन करने के बाद जैसे निकास द्वार से हम निकलते हैं, उसके बाद का एरिया मंदिर होल। जय हो बाबा बजरंगबली महावीर। ये धर्मशाला का एरिया है, धर्मशाला में ही खड़े हैं अभी हम, ठीक है।
तो छोटी छोटी क्लिप लेंगे यार, नहीं तो ब्लॉग बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं मंदिर के पीछे, यहाँ पीछे जो है मैदान है, तो मैदान में क्या है कि मेला वगैरह लगता है, बाकी ये टेंट वगैरह जो है ना, अभी टेंट लगना बाकी है क्योंकि अभी दो दिन बाकी है, इसीलिए अभी टेंट नहीं लगा रहे हैं। अभी तो ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था कर दी है, बाकी टेंट तो लग जाएंगे, ज्यादा देर नहीं लगती है। तो वो जो पाइप रहता है टेंट के, उनकी व्यवस्था पहले ही कर दी गई। तो दोस्तों अभी हम मंदिर के पीछे जस्ट मैदान में आ चुके हैं, जहाँ पर मेला वगैरह लगता है, और यहाँ की व्यवस्था अभी हम देखने वाले। बाकी तो जब भी मेला लग जाएगा ना यार, उसके बाद तो हमें एक व्लॉग जरूर बनाना है। तो यहाँ की जो व्यवस्था है आपको कुछ इस टाइप से दिखा देते हैं। यहाँ पर क्या है कि 2 रोज बनेगी जो कि दुकान के लिए रहेगी, तो अभी चूना वगैरह कर दिया गया है, यहाँ पर दुकान की जगह दे दी गई है, मतलब कि जो भी स्टोर वगैरह लगेंगे उसके लिए यहाँ पर पहले से चूना वगैरह बिछा दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो दुकानें वगैरह लगेंगी उसकी व्यवस्था पहले ही हो जाए, और अपने अपनी दुकान सेट पहले से ही करके रखी हुई है, और जगह यहाँ पर पहले ही फाइनल कर दिए, और ये दुकान के लिए जगह छोड़ रखी है सारी चूना पत्थर के लिए। और यहाँ पर जो है मेले के लिए नाव वगैरह लग चुकी है, और भी झूले आई थिंक लगेंगे, बट लगता नहीं कि लगेंगे, क्योंकि पहले जो लगता था उससे बड़ा वाला यहाँ पर लग चुका है, और बाकी यहाँ पर जगह नहीं है। ठीक है, तो ये सारी व्यवस्था है। बाकी मैंने आपको सजावट तो दिखाई दी थी, और उसके बाद यहाँ पर अभी मंदिर के जस्ट पीछे मैदान में अभी हम थे, जहाँ पर हमने व्यवस्था देखी। तो अभी झूले लगे हैं क्योंकि 2 दिन अभी बाकी है, आज 6 मार्च हुई है, बाकी 8 मार्च के दिन यहाँ पर मेला लगेगा। ठीक है, उसके जस्ट पहले ही लग जाएगा, बाकी यहाँ पर दुकान वगैरह के लिए जगह वगैरह यहाँ पर पहले से ही व्यवस्थित कर दी गई है। ठीक है, तो ये मैदान है जस्ट मंदिर के पीछे, मंदिर के पीछे यहाँ पर मतलब धर्मशाला के जस्ट पीछे, तो ये कुछ व्यवस्था हुई है, बाकी अभी मेला लगना बाकी है। ठीक है, तो एक ही एक बात हम दोहराते नहीं है, अभी ये यहाँ की बात तो हमने कर ली है। ओके, तो सारी व्यवस्थाएं मैंने बता दी थी आपको, बाकी यहाँ पर नैनावत के चुन्नू मुन्नू सभी से मिलवा देते हैं आपको, उसके बाद ब्लॉगिंग को ऑफ कर देंगे। ठीक है, ये यहाँ पर खड़े हैं, और यहाँ पर मेला लगेगा उसकी व्यवस्था देखकर खुश हो रहे हैं सभी, यहाँ पर मजे वगैरह ले रहे हैं, है ना। और ये सुभाष तो मेरे साथ में ही आया था। ठीक है, तो ये हमारे दोस्त मित्रगण। ठीक है, तो यार व्लॉग को अब यहीं पर हम एंड कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते। सारी व्यवस्थाएं मैंने आपको दिखा दी थी, मंदिर की सारी आपको सजावटें दिखाई है, उसके बाद यहाँ पर जो मेला लगेगा उसके लिए मैंने आपको सारी व्यवस्थाएं दिखाई है, टेंट वगैरह साइड में लगेंगे क्योंकि मंदिर में प्रवेश किया जाएगा शिवरात्रि के दिन। ठीक है, और बाकी यार यहाँ पर क्या है कि थोड़ी बहुत नॉइस आएगी आपको, क्योंकि थोड़ा सा हंगामा है और मेरे पास अभी माइक नहीं है। ठीक है, बोलिए महाकाल सरकार की जय। तो ये है हमारा प्रचार करने के लिए, बाकी थोड़ी सी जानकारी दे दो इसके बारे में। 8 मार्च को शिवरात्रि का लॉटरी प्रोग्राम है ना जी, मैं सोच रहा था शिवरात्रि में टिकट। हाँ चलो, लॉटरी के लिए है, बाकी तो आप अगर मेले में आओ महाशिवरात्रि के तो ये लॉटरी जरूर खुलवा लेना, इसमें बाइक है, कूलर है, बहुत सारे सामान है। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा जानकारी? 7 मार्च से 9 मार्च तक मेला रहेगा। 7 मार्च से 9 मार्च तक मेला रहेगा जी। अभी व्यवस्था ज्यादा बढ़ चुकी है क्या? हाँ, यहाँ पर अभी हुआ। अच्छा, तो मतलब पहले तो 1 दिन के लिए रहता, पहले 1 दिन के लिए, अब नैनावत में 3 दिन के लिए मेला लगेगा, पहले क्या है 1 दिन के लिए, कल से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कल से हम मजे लेंगे, बाकी व्लॉग जरूर आएगा। ठीक है, आप भी आना। ओके, तो अगर आसपास से हो तो नैनावत का मेला जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, विजिट जरूर कीजिएगा, और अगर आसपास आपके आसपास लगता हो कहीं एरिया में तो वहाँ पर विजिट कर लीजिएगा। चलिए यहीं पर व्लॉग को एंड करते हैं, बोलिए महाकाल सरकार की जय। माइक की व्यवस्था धीरे धीरे हो जाएगी। चलिए, तो सभी से जय श्री महाकाल करते हुए व्लॉग को एंड करते हैं।
जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, टेक केयर, बाय बाय। जय श्री महाकाल, महाकाल राजा की जय।